देखिए, जहां तक मौसम की बात करें तो जैसे हमने कल काफी दिन से बोला था कि 19 तारीख तक बारी बारी रहेगा, तो अभी सर मौसम कल रात से कल सुबह से बहुत बारिश कम हुआ है, कहीं भी ज्यादा बारिश नहीं हुआ, हल्की बारिश तो आज श्रीनगर में भी हुआ, हल्की बारिश हो रहा है, तो लेकिन आने वाले दिनों में मौसम ठीक रहेगा। अभी 24 तारीख तक कोई हेवी रेनफॉल या स्नोफॉल का कोई फोरकास्ट नहीं है, लेकिन मौसम कल से ठीक होना शुरू हो जाएगा, कल से थोड़ा धूप भी आ जाएगा, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर काफी ज्यादा है इसलिए कल परसों खास करके दोपहर के बाद जो हल्की बारिश थंडर स्टॉर्म यानी गरज के साथ चमक और उसके साथ हेल यानी ओले भी गिर सकता है, खास करके कल और परसों के दौरान। तो मौसम अमूमन आप ठीक ही रहेगा, भारी बारिश का कोई अभी मतलब फोरकास्ट नहीं है, 24 तारीख तक ठीक है, फिर 25 से लेकर 26-27 में एक स्पेल आवर आ रहा है जिसमें कि जहां तक आप जैसे आपने फरमाया है कंपेयर टू साउथ, इस बार जो है नॉर्थ कश्मीर में ज्यादा बारिश हुआ है, तो साउथ में भी हुआ, ऐसी बात नहीं, वादी के हर जगह बारिश हुआ है। तो अभी आने वाले दिनों में क्योंकि बारिश तो आप खाली ज्यादा बारिश नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर भी काफी डाउन हो गया, तो इसीलिए हायर रिचेस पे जो है बर्फ हुआ है, तो ये बात सच है कि झेलम का वाटर लेवल राइज हो गया और वो क्योंकि बर्फ हुआ है, अच्छी बारिश हुआ है, तो वाटर लेवल राइज होना ही था। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई सैलाब वलब आए, तो मुझे लगता नहीं है, बट देन अगेन लेट मी टेल यू, तो हमें मौसम का अपडेट देना था लोगों तक, तो हम देते रहे हैं, तो आप इतने वाटर लेवल राइज हो रहा है तो वो भी होना था, आप फ्लड का मुझे लगता नहीं है। तो जो भी एम्बैंकमेंट में जो देखिए अभी जो भी वीक के जैसे झेलम के किनारे रहते हैं उनको थोड़ा मतलब प्रिकॉशनरी मेजर इन द सेंस की थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को सुरक्षित रहना पड़ेगा,